हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफरनामा विद मिराज। एंड हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक और दोस्त हैं और ये इनफैक्ट हमारे सीनियर हैं ना। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मुझे इंडिया के किसी भी पार्ट से देख रहे हैं और आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं या एक बीटेक स्टूडेंट हैं और आपको अपना जो कॉन्फ्रेंस है वो कहीं जाना है या अपने किसी वर्कशॉप में जाना है, तो आपको ग्रांट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक सर्व की इंटरनेशनल ट्रैवल स्कीम है, ITS स्कीम, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और विकास सर जो है हमारे, वो उसके एक रेसिपिएंट रह चुके हैं। एंड ये हमारे अभी रिसेंटली मैं खुद एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ से कई सारी चीज़ें, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो हमेशा विकास जी से ही मैं पूछता था कि कैसे करना है, वीजा कैसे अप्लाई करना है, ऑल दीज थिंग्स। तो यार मैंने सोचा कि वो चीज आपके साथ भी शेयर की जाए। तो विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आप रेडी हैं जी सबकी हेल्प करने के लिए? सो सर, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को आप बता दो अपने बारे में। पहले तो मिराज जी को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे एक स्कोप दिया आप तक पहुंचने में, और ये प्रोसेस के बारे में आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं। सो मैं विकास पटनायक हूं, IIT जोधपुर PhD फाइनल ईयर स्टूडेंट, और आई एम द रेसिपिएंट ऑफ सर्व ITS 2023। सो मुझे सर जापान में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मिला हुआ था। एग्जैक्टली। तो सर, ये जो सर्व की ITS स्कीम है ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली है कि अगर आप एक यंग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, बेसिकली आप PhD प्री फाइनल ईयर स्टेज में हैं, तो जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रेगुलेटरी बोर्ड है, वो आपको फंड प्रोवाइड करती है बाहर जाके अपने जो रिसर्च वर्क को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो ITS एज इट से इंटरनेशनल ट्रैवल सपोर्ट जो है वो सपोर्ट तो है, वो हमें एक बैक सपोर्ट टाइप में है कि हमें बाहर जाके जो हमारे खर्चे होते हैं कुछ हद तक वो बियर करते हैं। तो इसमें क्या क्या कवर हो जाता है जनरली? तो इसमें आपका इकोनॉमी क्लास, एयर फेयर, टू एंड फ्रो कवर हो जाएगा, उस कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन फी कवर हो जाएगी, आपकी वीजा फी कवर हो जाएगी, और अगर कोई एयरपोर्ट टैक्सेस है वो भी कवर हो जाएगा। तो इसी कोई लिमिटेशन है कि मीन्स हम 2 लाख से ज्यादा नहीं देंगे, कि कुछ कैपिंग भी है इसमें? इसमें कैपिंग सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे है। ओके। सो या तो वो आपको 50,000 देंगे एट मैक्स या फिर लोअर वैल्यू। ओके, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एग्जांपल आपकी 35,000 है तो आपको 35,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपका 55,000 है तो आपको 50,000 ही मिलेगा। ओके। एंड ट्रैवल में फ्लाइट टिकट्स में कोई ऐसा कैप नहीं है, बट एक उनका कंडीशन है कि जब आपको फ्लाइट टिकट्स आप लो तो उनका एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो बुकिंग एजेंसी है उन्हीं के ही थ्रू लेंगे, एंड दे हैव टू प्रोवाइड यू विद द लोएस्ट फेयर सर्टिफिकेट कि आपने जिस दिन जिस आइटिनरी के लिए उसको बुक किया है वो उस दिन का सबसे लोएस्ट एयर फेयर है। ओके। Before moving ahead, I have a very important information to share with all the engineering aspirants. You already know that today, being only a graduate is not enough. Getting a good job is almost next to impossible. We also know that this is mainly because the outdated curriculum that is taught in the college is not what the professional industry needs. Over and above, if you want to upgrade your resume, you have to join extra courses, give extra fees and invest extra time. Don't we wish all there was a program that includes not only a solid degree but also teaches skills for the future IT industry. Physics Wala has come up with a new program, the name of which is PW Institute of Innovation. Based in Bengaluru, this 4-year residential undergraduate program will get you a BSc degree in data science and AI from a reputed Indian institute. Along with this, you will get an opportunity to do networking with the industry leaders, mentorship sessions, placement assurance, hands-on training, real-world expertise, networking opportunities, 4 internships out of which 2 are paid and 2 unpaid, amazing campus life and extracurricular activities. In total, there are only 200 seats for which aspirants from all over India are giving the entrance test, but those who have qualified JEE Advanced will get direct admission. Scholarships are also available for deserving candidates. It is everything you need to jumpstart your career and be secure for the future. To know more, don't forget to click on the link given in the description box. Till then, have a good day. So, ये apply करने का means जो timeline है वो कैसा, क्या कोई particular month में apply करना होता है या ये around the year चलता है, इसके rules क्या है? Okay. So, ये जो है ये around the year open है, आप अगर सर्व ITS सर्च कर लेंगे तो उनके साइट पे डेली वो डेट अपडेट होता है। ओके। एंड पर एक ये है कि आपको कॉन्फ्रेंस के 90 days से 60 days के अंदर उसको अप्लाई करना है। फाइन। तो अगर मान लीजिए मेरा कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1 को है तो मैं जनवरी 1 से
जनवरी 30 के अंदर ही उसको अप्लाई करूँ। ओके, वो 30 डेज का मार्जिन है। हाँ ठीक है, फिर जब आपने इसको अप्लाई किया तो इसके रिजल्ट कब तक आ जाते हैं? इसके रिजल्ट विद इन 30 डेज आ जाते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस से 30-20 डेज के पहले ही रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, तो ठीक है, अब इसको हमें मुझे अप्लाई करना है, तो जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था CSIR का, अगर आपने नहीं देखा हो तो जो CSIR की ट्रेवल ग्रांट है वो मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसे भी देख लेना। तो उसमें सारी चीजें ऑफलाइन आपको भेजनी थी, तो यहाँ ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, यहाँ कैसा सिस्टम है? एक्चुअली जो सर्व ITS की प्रोसेस है, जब हम एप्लीकेशन स्टेज पे है हमें सब चीजें ऑनलाइन ही डालनी है। फाइन फाइन ठीक है, ऑफलाइन का इसमें कुछ नहीं है, पर जब आप रिइंबर्समेंट करेंगे, जब आप क्लेम करेंगे रिइंबर्समेंट, तब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करने रहेंगे। ओके, तो ठीक है सर, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन स्टेज की बात की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे, व्हाट दे नीड एंड एवरीथिंग। ओके, तो उनको चाहिए होता है द मेन थिंग इज द एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फाइन ठीक है, तो वो कराने में थोड़ा टाइम लगता है। If you are planning कि आपको apply करना है, और वैसे you, I will suggest कि everyone must apply for this, तो आप पहले endorsement letter ले लेना, क्योंकि वो official formality होती है and वो अपने में एक time ले लेता है। तो ये endorsement letter के लिए क्या हमारा abstract submit वो accept हो जाना चाहिए? हाँ जी, ये यहाँ की requirement कर देते होंगे या means? हाँ जी, जो जैसे कि आपका abstract उस या paper उस conference में accept होना चाहिए। Fine, then you apply for the endorsement letter. Endorsement letter. ठीक है। और वो endorsement letter का जो template है, वो भी सर्व ITS site में available है। Okay, ठीक है, मैं वो आपको share कर दूंगा यहाँ पे, right? तो आप वो form को direct download कीजिए and अपने institute के formality के हिसाब से you fill it and get the copy. Okay. उसको scan करके you have to submit it online. ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए रहेंगे आपके पासपोर्ट के कॉपीज, आपके जो ID प्रूफ्स एंड अगर आपके मतलब और भी कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको, और एक चीज चाहिए आपका CV चाहिए, उनको डिटेल CV चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे फिल करने रहेंगे। राइट राइट। उसके अलावा और दो तीन चीजें जो आपको चाहिए वहाँ पे, जो कि मेंशन भी है सर के साइड पे, वो है कि व्हाई दैट कॉन्फ्रेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, आपको गवर्नमेंट पैसा दे के बाहर भेज रही है, तो आप वहां से क्या लेके आओगे हमारे लिए? राइट राइट। सो इट शुडंट बी लाइक कि आप गए प्रेजेंट करे आ गए, इट शुड बी जस्टिफाइड। एग्जैक्टली, आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट आपको एक कंट्री से भेज रहा है, इट्स बेसिकली लाइक कि आपको गवर्नमेंट पैसा दे रहा है अपने इंस्टीट्यूट में अपने रिसर्च को अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट करने का। तो दैट शुड बी अ टू वे शेयरिंग प्रोसेस, आपने कुछ शेयर किया, कुछ गेन करके आओगे, तो हाउ दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज रिलेवेंट टू योर एरिया एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर इंस्टीट्यूशन। परफेक्ट, राइट, उस चीज के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको फिल करके वही साइट पे ही अपलोड करने हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ये सर, इसमें रिसर्च पेपर भी वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है शायद? वहाँ पे रिसर्च पेपर जो आपको तो जितने भी पब्लिकेशन है, जनरल पब्लिकेशन, उसके टाइटल DOI वगैरह फिल करने के तो ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपको वो फिल करना है। एंड और एक चीज बहुत अच्छा है सर्व ITS में कि उनका ऑलरेडी उन्होंने जो प्रोसीजर का एक PDF फाइल टाइप में बना के रखा है, जहाँ पे आपको पिक्टोरियली ईच स्टेप में कहाँ जाके क्या क्लिक करके क्या फिल करना है वो भी मेंशन करके रखा है। तो किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट आप वो बहुत अच्छे से बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो सर जब आपने इसको अप्लाई किया विकास जी, तो उसके बाद से ये आपको कितने डेज में इसका रिजल्ट आ गया? मुझे 30 डेज में आ गया था। एक्सपेक्ट किया था आपने कि हो जाएगा? मतलब क्या अंदर से क्या आता है इसमें? हाँ, इनिशियली तो वही था कि क्योंकि हम एलिजिबल थे, अप्लाई किया था, तो वही था कि वो तो रहता है, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आता है एंड ऑल। तो फिर से जब आपको ये पैसे मिल गए, तो मतलब उन्होंने ये आपको परमिशन दे दी कि वी विल सपोर्ट यू फॉर दिस एंड दिस एंड दिस, देन उसके बाद से आपने वीजा अप्लाई किया होगा एंड देन एयर टिकट ली, तो क्या पैसे तुरंत क्या होता है फिर? नहीं, आपको क्या करने रहेंगे कि द अमाउंट दैट यू विल स्पेंड दैट शुड बी फ्रॉम योर एंड। ओके, देन दे विल रीइंबर्स इट। ओके ठीक है, अब वो रीइंबर्स करेंगे, तो आप फिर से जापान गए, जापान से वापस आए, तो आपको रीइंबर्समेंट के लिए आप अप्लाई करें, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसके लिए तो उनके साइट पे आपको एक क्लेम फॉर्म मिलेगा। ओके ठीक है, फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद उसकी प्रिंट लेनी है, फिर उसमें साइंस वगैरह करने रहेंगे, सिग्नेचर्स करके आप उसको फिर स्कैन करके वापस अपलोड करेंगे,
और आपको जो जो कैटेगरी में वो फंड मिल रहा है, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करके आए तो आपको एक अटेंड सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट राइट। उसके अलावा आपके फ्लाइट के बोर्डिंग पासेस उसको स्कैन करके ऑनलाइन भी देना है और ओरिजिनल बोर्डिंग पासेस और वीजा रिसिप्ट इन सब का ओरिजिनल कॉपी उनको कुरियर भी करना है अलोंग विद दैट रिइंबर्समेंट। तो इसकी टाइमलाइन क्या है, मींस आफ्टर 90 डेज Within 90 days आपको ये formalities पूरी कर देना। आप आने के बाद नहीं, conference खत्म होने के 90 days के अंदर ये formality आपको पूरी करनी है। Okay. तो सर ये फिर से वो पैसा आपके अकाउंट में आता है कि वो पैसे कहाँ आएंगे? वो पैसे इंस्टीट्यूट हेड में आएंगे। इंस्टीट्यूट हेड में आएंगे, राइट। तो वो थ्रू इंस्टीट्यूट। तो ये प्रोसीजर कितने लगभग कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 15th ऑफ जैन को अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट भेज दिए और ऑनलाइन भी आपने सबमिट कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितने दिन में वो पैसे आपके अकाउंट में आ गए थे? ओके, तो अगर मेरा बात करूं तो मैंने जनवरी 20 को डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, फरवरी 28 को मेरा एक्सेप्टेंस का रिजल्ट आ गया था, अप्रैल 1 को मेरा कॉन्फ्रेंस था फॉर अ वीक, तो मैंने अप्रैल 15 को रिइंबर्समेंट का डाला था, मई 15 को इंस्टीट्यूट को पैसे आ गए थे। ओके, विद इन वन मंथ आपके पैसे आ गए थे, परफेक्ट। ठीक है ठीक है, ओके। तो सर ये आपको ये अमाउंट कितना मिला लगभग? मुझे मिला था अराउंड 1,50,000 जिसमें मेरा एयर फेयर, फुल रजिस्ट्रेशन फी और वीजा फी तीनों कवर हो गए। तो सही है यार, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है तो सारा फिर उसके बाद से अपना जो आपको 10-20,000 लग गया वो इंस्टीट्यूट से ले लो या जैसे भी ले लो, बिल्कुल, तो वो आपके चीजें इजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई एक बीटेक स्टूडेंट देख रहा हो या एनएससी का स्टूडेंट देख रहा हो तो क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक्चुअली मतलब कि आप वहाँ पे देखें तो दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली यंग साइंटिस्ट्स। यंग साइंटिस्ट्स बेसिकली आप पीएचडी के भी अगर एसआरएफ पोस्ट में आ जाते हैं देन यू शुड अप्लाई। ओके ठीक है, क्योंकि तब तक आपके पास कुछ पब्लिकेशंस होंगे, क्योंकि इट्स बेसिकली कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ स्कॉलरशिप काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो ग्रांट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस हम भेज रहे हैं, तो मल्टीपल स्क्रीनिंग स्टेजेस भी रहेंगे, तो उसमें वो जो पब्लिकेशंस और ये भी मैटर करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो यंग साइंटिस्ट वाला दे दिया। सो इफ यू आर, इवन इफ यू आर इन पीएचडी और आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप अप्लाई ना करें। आप अपने, लेकिन अप्लाई कर, एलिजिबल हो आप, बट बेटर ये है कि आप जब अपने, जब एसआरएफ पोस्ट में आ जाए यानी कि सक्सेसफुली कंप्लीटिंग 2 years, जब आप अपने थर्ड ईयर में आए देन यू शुड गो एंड अप्लाई। तो उससे एक चीज अच्छा क्या रहेगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा अपने रिसर्च डोमेन को लेके, तो आपके पेपर, एक्सेप्टेंस, पब्लिकेशन एंड आपका जो वो जो रिप्रेजेंटेशन का जो रहता है वो सब चीजें आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम इससे डिमोटिवेट हो कि नहीं मुझे जाना था, राइट, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, वी कैन अप्लाई, एग्जैक्टली वी कैन अप्लाई। बट ये है कि इफ वी विल लुक फॉर द स्क्रीनिंग पार्ट, यस, उनके भी कुछ स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया होंगे जो हमें नहीं पता, एग्जैक्टली, सो इफ दे आर मेंशनिंग इट वी मस्ट फॉलो दैट, एग्जैक्टली। ठीक है, सो दोस्तों मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें देख ली। तो विकास जी, आप जब ये अप्लाई कर रहे थे, बिकॉज वो आपका फर्स्ट टाइम था और यहाँ से और कोई अभी, मतलब आपने सब वेबसाइट के, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, और जो भी ऑडियंस अप्लाई करना चाह रहे हैं और उन्होंने सोचा कि नहीं मैं भी देखता हूँ सब ITS, वैसे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो आप जो यहाँ पे एस्पायरिंग जो ये सब ITS लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ सजेशन या फिर जो आपके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है? तो दो चीजें हमें इसमें बेसिकली ध्यान रखनी है। एक है हमारा CV, वो जो बायोडाटा के नाम से उसमें है, उसका टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है, बट दैट बायोडाटा इज क्वाइट जेनरिक, राइट। उसमें क्या है कि उन्होंने मिनिमम चीजें लिखी है जो कि होनी चाहिए, राइट। बट इफ देयर आर सम यूएसपी ऑफ योर्स जो कि उसमें मेंशन नहीं है, आप उसको जरूर मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो हेडिंग दी है हमें बस उसी हेडिंग को फिल करना है, क्योंकि मे भी कुछ और चीजें होंगी आपके पास जो कि वहां पे मेंशन नहीं है, नहीं, क्योंकि वो जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। तो सीवी उस टेम्पलेट के अनुसार बनाइए, बट अगर आपका कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो वहां पे मेंशन नहीं है, आप उसको भी वहां पे मेंशन कीजिए। एग्जैक्टली, तो जो बायोडाटा का फॉर्म वहां पे उन्होंने दे रखा है उसको आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करके एक अच्छे से जस्टिफाई करके सारी चीजें, और क्योंकि उन्होंने सीवी मांगा है
तो हम हमारे बायोडाटा को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम हेडिंग लिखे और उसके डिस्क्रिप्शन में लिख के पेज बढ़ाए, नो, उसको जितना प्रिसाइज कर सके, अगर वो पेज में भी तीन या चार पेज हो रहा है देन ऑल्सो नो मैटर इन दैट, लेकिन वो आपका एकदम डिटेल्ड होना बेसिकली आपको उनको ये प्रूव करना है कि यार मैं कैपेबल हूँ, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, तो आपके पास जो कुछ भी है उसे शो करो, क्योंकि ITS में देयर इज नो रिटर्न और वाइवा काइंड ऑफ थिंग. एग्जैक्टली, यहाँ पे सिलेक्शन आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे किया जाता है और आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग आपके CV के वजह से. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट इज द ओनली डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपका एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन सब कुछ होना है, तो यानी उस पे बहुत वर्क देना है. कितना अट्रैक्टिव, इन्फॉर्मेटिव एंड आउटस्टैंडिंग बना सके. एग्जैक्टली, परफेक्ट. ये तीन चीजों को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है. मुझे लगता है कि जो टाइमलाइन वाला सीन है, क्योंकि वो बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट है कि 30-60, तो आप अपने कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग देखते रहो कि भाई वो कितना है, तो वो टाइमलाइन और प्लस और सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है. सो विकास जी, थैंक यू सो मच. तो यार दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगी, बिकॉज कई लोगों को पता ही नहीं है कि जब उनका कहीं कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन उनका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि आपको उसके जो बजट है वो आपको कम से कम, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हो तो 2 लाख, US में जा रहे हो तो 1.5 लाख, लगना ही है, तो 1.5-2 लाख तो चाहिए. तो वो अगर आपको यहाँ से मिल जाता है तो करो. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि कोई फीस तो लगनी नहीं है इसमें, तो अप्लाई कर दो जी. ज्यादा ज्यादा रिजेक्शन होगा तो उसने आपको क्या जा रहा है, फिर से उसके बाद से आप ट्राई करते रहो. ऐसा तो नहीं कि आप लाइफ टाइम ओनली वन टाइम ही अप्लाई कर सकते हो, नहीं, लेकिन आपको अगर एक बार मिल जाता है नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तब तो वो सही हो गया. और नहीं मिला फॉर एग्जाम्पल, तो आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तब सही है, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक बार. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब वो वाली कॉन्फ्रेंस तो छूटी गई आपकी, तो अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस के लिए आप कर सकते हो. जैसे मान लीजिए आपने 90 डेज में किया और कॉन्फ्रेंस के 60 डेज में आपको रिजल्ट आ गया या 40 डेज में आ गया, तो अभी भी हमारे पास वो 10 डेज का अगर मान लो या किसी का जल्दी रिजल्ट आ गया तो रिजेक्शन आया और वो उसी कॉन्फ्रेंस के लिए फिर से अप्लाई करने का सोचा, तो वो टाइम भी नहीं रहता है. एग्जैक्टली, क्योंकि वो 90-60 डेज रहता है और 30 डेज में आपके रिजल्ट्स आते हैं. एग्जैक्टली, तो अगर एक कॉन्फ्रेंस के लिए आपका नहीं होता है तो आप दूसरे कॉन्फ्रेंस के लिए डाल सकते हैं. ट्राई करो जी. लेकिन जैसे कि मान लीजिए मुझे जनवरी 2023 को एक्सेप्टेंस का आ गया था, तो मैं सेम 19 जनवरी 2026 तक सर्व ITS अप्लाई नहीं कर सकते. वो तो ठीक है, एक बार मिल गया बस, उसके बाद से आपको और ग्रांट देखो, लेकिन उनको नहीं करो, औरों को मौका दो. एग्जैक्टली. सो यार विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. एंड आपको सब ITS से रिलेटेड अगर कोई और डाउट हो तो आप प्लीज उसे कमेंट करके लिख देना, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड द पॉइंट इज यार, एक अच्छा मौका है तो इसको अप्लाई जरूर करो, कोई फीस नहीं लगनी इसमें. ज्यादा से ज्यादा आपका रिजेक्शन होगा, एक मेल आ जाएगा, वी आर डीपली रिग्रेटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव नॉट बीन सिलेक्टेड. इसके अलावा कुछ नहीं होना है, और हो गया तो बल्ले बल्ले. बिल्कुल. और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि इंडियन रुपीज में रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में हुआ था कि मुझे फीस जैपनीज येन में करना था और वो भी ऑनलाइन, लेकिन हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो तो इंडियन करेंसी के होते हैं, तो आप इंडियन करेंसी को येन में पे करोगे तो फिर आपके कार्ड के चार्जेस होते हैं, करेंसी कन्वर्सन चार्जेस होते हैं, वो काफी लगते हैं, और उस डेट के करेंसी रेट्स भी होते हैं. एग्जैक्टली, वो वेरी करता रहता है. तो आपने मान लीजिए कि मैंने आज किया मतलब रजिस्ट्रेशन और मेरी करेंसी रेट 0.61 थी, जब मुझे रिइंबर्समेंट आ रहा है उस डेट 0.51 है, तो आपका लॉस हुआ. लॉस हुआ. लेकिन आपको क्या करना है कि जिस दिन आपने उस करेंसी से ट्रांजैक्शन किया है उसके 2-3 दिन में आपके कार्ड में वो एग्जैक्ट अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट में, तो आपको एज अ प्रूफ उस चीज को भी रखना है. हाँ यार, ये याद रखना, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. और उसके साथ अगर मान लीजिए कि आपने वो चीज भी मिस कर लिया, मान लो कि कभी कभी होता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते, हम हमारे फ्रेंड से या रिलेटिव से कभी लेंड करके हम उससे पेमेंट करते हैं,
तो आप ये कर सकते हो, जो गवर्नमेंट साइट्स है, आरबीआई हो गया, हाँ। उनके साइट्स में भी आपको उसी डेट का करेंसी कन्वर्सन रेट और जो आपके करेंसी की जो रियल टाइम वैल्यू है वो भी उनके पास मेंशन होता है। तो आप वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी एज ए प्रूफ अपने लिए रख सकते हो, ताकि जब आप रिइंबर्समेंट क्लेम करोगे तो आप INR में वैल्यू लिखोगे, हाँ, हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे आप वो जो वैल्यू लिखोगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रूफ होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो रिइंबर्समेंट स्टेज में उनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट कि कन्वर्जन रेट क्या था उस दिन का। एग्जैक्टली, अगर वो आप क्लेम करना चाहते हो उस लॉस को भी, तो यार ये बहुत यही चीज है। देखो वेबसाइट पर तो सारी चीजें अवेलेबल ही हैं, बट जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ से आता है कि जब आदमी एक बार जा चुका होता है तो उसको सारे डूज एंड डोंट्स पता होते हैं। एंड दिस इज व्हाट दिस वीडियो फॉर, एंड थैंक यू सो मच विकास जी। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड आपको लगता है कि आप भी कहीं जाने का एक ख्वाहिश रखते हो तो यार ये ITS हो गया या CSIR का ट्रेवल ग्रांट है, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल, सो मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।